गोविंद सिंह राजपूत, आपको मंत्री बने लंबा अरसा हो गया है, लेकिन आप अपने इलाके में लोगों को सुविधाएं दिलवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। आपके इलाके में एक गर्भवती महिला को दर्द से कराहते हुए अंधेरे में इसलिए पैदल चलना पड़ा क्योंकि जननी एक्सप्रेस वाले कहीं और व्यस्त थे। जब ये महिला जैसे तैसे अस्पताल पहुंची तो वहां नर्स थी तो डॉक्टर नहीं और एम्बुलेंस थी तो ड्राइवर नहीं। मंत्री जी, जनता ने इसलिए आपको नहीं चुना था कि आपकी सरकार में उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएं। कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का इलाका है सुर्खी। सुर्खी से तमाम सरकारी दावों की पोल खुलती तस्वीरें सामने आई हैं। सुर्खी में कांग्रेस ने भी राज किया और भाजपा ने भी, मगर सुर्खी अस्पताल के हालात आज भी जस के तस हैं। सुविधाओं के नाम पर इस इलाके में अंधेरा पसरा हुआ है। इस अंधेरे में गौर से देखेंगे तो पता चलेगा दर्द से कराहती एक गर्भवती महिला पैदल चली आ रही है। इसके परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को बुलाया लेकिन जननी एक्सप्रेस वालों ने आने से मना कर दिया। अंधेरे में 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर यह गर्भवती महिला सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक अपने पति और परिजनों के साथ पहुंची, लेकिन ये क्या, पूरे अस्पताल में डॉक्टर नदारद हैं। डॉक्टर की किसी को कोई खबर ही नहीं है। अस्पताल में केवल एक नर्स है। नर्स ना तो गर्भवती महिला की मदद कर पाई और ना डॉक्टर के बारे में कुछ बता पाई और सीधे गर्भवती महिला को सागर रेफर कर दिया। अस्पताल परिसर में एक एम्बुलेंस खड़ी थी। पीड़ित महिला के पति ने अस्पताल में सो रहे कर्मचारी से पूछा कि एम्बुलेंस तो है, अस्पताल में मरीज को सागर छुड़वा दें। तो अस्पताल के कर्मचारी बलदेव चढ़ार ने बताया कि मैं तो चौकीदार हूँ, एम्बुलेंस तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है। ऐसे में महिला की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। आनन फानन में 108 से पीड़ित महिला को सागर भेजा गया। सुर्खी पूरे विधानसभा का मुख्यालय है, यहाँ पर 32 बेड का अस्पताल भी है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद से इस अस्पताल की हालत खस्ता है। गोविंद सिंह जी, जिस जनता ने आपको चुनकर विधायक और मंत्री बनवा दिया, अब तो आप उसकी सुध ले लीजिए। ऐसा ना हो जनता अगले चुनाव में आपकी ही सुध ना ले। देखिए, ये लेडी डॉक्टर्स का मामला है। वहाँ जो बात आई है मीडिया में कि जब पेन होता है तभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, वो स्थिति नहीं थी उस समय। उनने शिफ्ट कर दिया प्राइवेट में, जब पेन हुआ नॉर्मल डिलीवरी हो गई, वहाँ वेट करते वहाँ भी हो जाता। पर उसका तो टाइम होता है ना, कोई क्या करेगा, ये तो कुदरत का मामला है, ऊपर वाले का है। कब जन्म होगा ये तो ऊपर तय करेगा ना, ये अस्पताल तय नहीं करेगी ना, कोई सरकार तय करेगी। देख रहे हैं दखल न्यूज़।